बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी है ये रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहें। जी तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ये ईस्ट को एक्टिवेट कर लेंगे। ईस्ट का एक साशे लिया है हमने, जो कि तकरीबन 10 से 11 ग्राम के करीब होता है। ये 1 किलो से आधा किलो मैदे में बिल्कुल ठीक रहता है। इसे हम कट कर लेते हैं। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप इंस्टेंट ईस्ट ले लीजिएगा। उसको इस तरह से बाउल में, जिस भी बाउल में आपको एक्टिवेट करना हो उसमें आप डालिएगा, लेकिन प्लास्टिक के या कांच के बाउल में कीजिएगा, सिल्वर में या स्टील में ना कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम चीनी करेंगे, क्योंकि ये जब एक्टिवेट होगा तो इसको खाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है, चीनी या कुछ नमक। तो हम चीनी ऐड कर देंगे, शुगर ऐड कर देंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब। 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी, हो गई 3 टेबल स्पून। अब इसके ऊपर हम मिल्क, नीम गरम मिल्क ऐड कर देंगे। ये देखिए, 1 कप मिल्क ले लिया है, इसे नीम गरम कर लिया है। ये इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और फिर हम क्या करेंगे, ये इसका कवर लेंगे और इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक इस तरह से आप लगा दीजिएगा और फिर इसका ये कवर लगाइएगा और इसको रख दीजिएगा। अगर सर्दियां हैं तो ये आधे घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा, और आजकल जैसे कि गर्मी का मौसम है तो ये 15 मिनट में हो जाएगा एक्टिवेट। अब हम इसको रख देंगे किसी भी गर्म जगह पर, बंद ओवन में रख दीजिएगा इसको, या किचन में कोई भी गर्म जगह हो उसमें रख दीजिएगा। 15 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, आप चेक करते हैं, एक्टिवेट हो गया है। और ये देखिए, ये कितना अच्छा एक्टिवेट हो गया है, कर लिया करें एक्टिवेट पहले से। अगर आप डायरेक्टली मैदे में ईस्ट डाल देंगे और वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो मैदा भी ज़ाया होगा, इस तरह से इसलिए पहले कर लिया करें। 750 ग्राम मैदा लिया है, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ये ऑयल ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, कास्टर शुगर ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4 चम्मच। और अब हम इसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट, नमक अच्छी तरीके से सब तरफ मिक्स हो जाए। आप एक बॉल बना लेंगे इस तरह से, और ये जो हमने ईस्ट एक्टिवेट करने के लिए रखा था ये वही है, इसको इस तरह से सारा इसमें डाल देंगे।
अच्छी तरीके से सारा निकाल लीजिएगा। हो गया, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको नीम गर्म पानी से हम गूंद लेंगे। नरम डो तैयार करेंगे, हार्ड डो नहीं तैयार करेंगे, नरम डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम डो तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट डो बनाएंगे हम तो ये अच्छी तरीके से राइज हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड डो होगी तो सही से राइज नहीं हो पाएगी। देखिए फ्रेंड्स, डो तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथ पर और थोड़ा सा ऑयल हम अपने जो इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए डो रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे हम, इस तरह से ऑयल लगा देंगे। और इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। किसी भी गर्म जगह पर किचन में रख दीजिएगा, किचन के कैबिनेट में या ओवन में, बंद ओवन में रख दीजिएगा इसको आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद ये फूल जाएगा, डबल हो जाएगा, फिर हम इससे पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राइस हो गया है और कितना अच्छा फूल गया है। अब हम इससे पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। पहले इसकी पीसेस कर लेते हैं, हमको जितना साइज चाहिए उतना बना लेंगे इसका इस तरह से। और ये एक साइड में ले लूंगी, निकालूंगी इसको। ये देखिए पेड़ा बना लिया है मैंने। और यहाँ पर एक लिया है पैन, कोई भी पिज़्ज़ा पैन ले लीजिएगा आप। इसमें ये इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से करते हुए बड़ा कर देंगे। आप इसको बेलन से बेल भी सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसको बड़ा कर दिया है। ये देखिए इस तरह से पैन में फैला दिया है। अब इस पे सबसे पहले हम ये पिज़्ज़ा सॉस ये डाल देंगे। अच्छे तरीके से सब तरफ लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पे ये चिकन टिक्का चंक्स ये ऐड कर देंगे।
तरह से देखिए ये डाल दिया हमने। अब हम इस पे प्याज स्लाइस डाल देंगे। जो टॉपिंग जो आपको पसंद हो वो डालिएगा, आप इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। ऑलिव्स डालिए, मशरूम्स डालें, लेकिन टिक्का पिज्ज़ा में ज़्यादा मशरूम्स वगैरह ऐड नहीं होते हैं, में वेजिटेबल्स और बस। अब हम इस पे कैप्सिकम ये रख देते हैं इस तरह से। ये टमाटर हैं, इन्हें हमने बीज निकाल के स्लाइस कर लिया है, ये भी रख देंगे। थोड़ी सी सेंटर में कैप्सिकम के चंक्स डाल देंगे हम। ये हो गया, अब इसके ऊपर ये चीज ग्रेट कर देंगे। ये होममेड चीज है, इसकी रेसिपी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दी थी, वही मोजरेला चीज मैं आज यूज कर रही हूँ। आप भी घर पर बनाएं और यूज करें, बहुत ही शानदार और मजेदार बन जाती है। कम बजट में बहुत ही अच्छी चीज तैयार हो जाती है इस तरह से। हो गया, अब हम इसको 220 टेम्परेचर पर बेक कर लेंगे 10 मिनट के लिए, और इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ओवन में 220 टेम्परेचर होगा इसका, और पतीले में हम बेक कर रहे हैं, तो हम इसको 10 से 15 मिनट बेक करेंगे, मीडियम से थोड़ी लो फ्लेम पर बेक करेंगे। चलिए इसको पतीले में रख देते हैं और बेक करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट पहले मैंने चूल्हा जला दिया था और ये अब गर्म हो गया है पतीला। और इसमें मैंने स्टैंड रखा था, पतीली वाला स्टैंड है ये, और इसको इसमें रख दूंगी। ये देखिए, और इसे हम कर देंगे कवर, और 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। इंशाल्लाह पिज्जा बिल्कुल रेडी होगा, चिकन टिक्का पिज्जा। तो आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए काउंटर पर शिफ्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम आपको इसको कटिंग करके दिखाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, यमी सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी है। अब हम इसको कट करके दिखाते हैं आपको, इतना ही मज़ेदार और सॉफ्ट बना है ये। इस तरह से इसको कट कर लेंगे, और आपको दिखाते हैं कट करके। ये देखिए, बस साइड से थोड़ा सा, ये देखिए
कितना अच्छा मसालेदार जायकेदार पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो ये देखिए, ये होममेड चीज़ है हमारी, मोज़रेला चीज़ जो हमने घर में बनाई थी। इसका रिज़ल्ट भी देख लीजिए, इसका रिज़ल्ट पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको। तो अगर पसंद आए हमारी रेसिपी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा हम अपने फ्रेंड के साथ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।